अभी जो वीडियो देखे इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जो कि कैन मास्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना। आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो वही हम आपको बता देंगे, वीडियो को बीच में कहीं पर भी आपको बता देंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा जो कि अभी पूरा लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ देख रहा होगा। देखिए नया इसमें जो आपको अपडेट आया है तो आपको पूरा लेटेस्ट वर्जन आपको बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है, आपको यहाँ से चल जाना है डाउनलोडिंग फाइल में और आपको यहाँ से बैकग्राउंड को लेना है, ठीक है। तो आपको बैकग्राउंड को लेने के बाद क्या करना है, इसको लेयर को बढ़ाना है। जिसको लेयर को बढ़ाने के लिए देखिए इसमें बहुत सारा जो इसमें इंटरफेस है, बहुत सारा इसमें लुक नया आया है और नया इफेक्ट सब आया है, तो इसके लिए क्या करना है आपको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आपको कैन मास्टर आपको बता देंगे कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पहले इसको लेंथ को हम 20 सेकंड कर लेंगे, तो आपको 20 सेकंड कर लेना। अब वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सारा पोजीशन को देखिएगा। आपको लेयर क्लिक करना है, मीडिया ऐप क्लिक करना है। जैसे मीडिया ऐप क्लिक करिएगा फिर से आपको डाउनलोडिंग में चल जाना है, और डाउनलोडिंग में जाने के बाद क्या करना, देखिए मेरे पास यहाँ पे एक स्टेटस वीडियो है तो इसको हम यहाँ से ले लेंगे। तो इसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लेना। अब इसको क्या करना, साइज को थोड़ा छोटा करना, छोटा करके आपको यहाँ पर पूरा बीच पोजीशन में कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देना, ठीक है। लगाना तो क्या करना है, इसको वीडियो को फर्स्ट में आइए और इसको फिर से आपको यहाँ से लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ से डाउनलोडिंग में चल जाना है। और देखिए मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, इसको यहाँ से आपको ले लेना, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी सारा चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। अब इसको क्या करना है, कुछ इस तरह से साइज को छोटा करना है, पूरा छोटा करके अब इसके ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देना, ठीक है। जैसे इसको लगा दीजिएगा, अब क्या करना है, इसको 3 डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना। तो डुप्लीकेट जैसे कर लीजिएगा तो आपको देखिए यहाँ पर जो आपको अगर पुराना वाला कैन मास्टर होगा तो यहाँ पर एक रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको अगर नया वाला कैन मास्टर, देखिए नया में जो अपडेट आया है यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मर लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लिखा हुआ जो कि नया वाला लेटेस्ट वर्जन है जो कि अभी जो यूज कर रहे हैं 7.0 है, कुछ ऐसे करके है, ठीक है। पूरा लेटेस्ट वर्जन कैन मास्टर है। तो इसके लिए क्या करना, आपको गूगल में चल जाना, गूगल में सर्च करना कैन मास्टर किंग प्रो, ठीक है। जैसे किंग प्रो सर्च करेगा तो सबसे ऊपर आपको वेबसाइट रहेगा, तो आपको वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो जैसे गूगल में आपको सर्च करना है कैन मास्टर किंग प्रो, ठीक है। किंग प्रो जैसे डाउनलोड सर्च करेगा तो आपको वेबसाइट आ जाएगा, जाकर डाउनलोड मतलब वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आपको उसी वेबसाइट पर आपको लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या अगर 3 डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट किए हुए तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे जाए, देखिए पूरा लुक इसमें सारा चीज़ इसमें नया आ गया, ठीक है। अब जैसे कितना बेहतरीन, इसमें बहुत सारा ऑप्शन नया इफेक्ट और नया मतलब जो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आ गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करेगा तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर एडजस्ट करके इसको लगा देना, ठीक है। तो आपको कैन मास्टर जाकर गूगल से डाउनलोड कर लेना। अब इसमें क्या करना है, देखिए इस तरह से आपको मिल दिख जाएगा। अब क्या करना है, वीडियो को पूरा फर्स्ट में ही रहना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया ऐप क्लिक करना है, मीडिया ऐप क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोडिंग जाना है। और देखिए मेरे पास यहाँ पे एक लड़की का इमेज, इसको यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सर, आप जितना लड़के हम इसमें यूज करेंगे सर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको कुछ अगर दूसरा नया वाला लड़की चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, जाकर मेरे वेबसाइट पर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करना, PNG में कन्वर्ट कर लेना। PNG में कन्वर्ट करने के लिए आपको देखिए पूरा लेटेस्ट वर्जन कैन मास्टर में इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, और वन क्लिक में देखिए कुछ इस तरह से PNG में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एकदम बहुत स्मूथ चलता है, और जो आपका मोबाइल फोन है पूरा लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, नहीं तो ओल्ड वर्जन अगर काम आपके पास मोबाइल फोन है तो उसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना इस तरह का। अब इसमें क्या करना, पहले क्रॉपिंग के आइकन पर यहाँ से क्लिक करते हैं और नीचे से क्रॉप करके स्विच को ऑन करना है, फेदर को यहाँ से कुछ इस तरह से बढ़ा देना, ठीक है। आपको यहाँ से 30-35% कर सकते हैं करके। अब इसको क्या करना, कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देना, ठीक है। इस तरह से लगा दीजिएगा, साइज को अपने साथ छोटा बड़ा कर लीजिएगा। उसके आपको यहाँ से इसके अंदर एक एनिमेशन डालना, जो कि जाना आपको एनिमेशन के अंदर और सबसे नीचे जाइए, इंटर सेलर यूएफ का ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट करके रेशियो का आपको 2 सेकंड कर देना है। उसका 3 डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना, ठीक है। आप देख सकते हैं नया वाला में यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन यहाँ पर एड हुआ है, तो आपको देखिए इसका भी फंक्शन क्या कैसे काम करता है, वही हम इसको यूज करके आपको बता दें किस तरह से फंक्शन इसमें काम किया जाता है, ठीक है। तो पहले इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट क्या करना है, क्या करना आपको पीछे ट्रांसपेरेंट में यहाँ इस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से रोटेट कर लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करके इसको मिरर कर लेना है। मिरर करके आपको इस तरफ यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से इसको लगा देना, ठीक है। आपको देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देना है, ताकि देखने में बेहतरीन और अच्छा लगे, यहाँ पर एडजस्ट कर देना, ठीक है। तो आपको इसके दोनों के अंदर कुछ इस तरह से आपको जो इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे वीडियो को प्ले करते कुछ इस तरह से आपको जो इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके यहाँ से 2 सेकंड
सेकंड स्क्रॉल कर लेना, दो सेकंड स्क्रॉल कर लेना तो क्या करना आपको, फिर से आपको लेयर क्लिक करना, मीडिया क्लिक करना, और देखिए मेरे पास यहाँ पे एक मून पीएनजी इमेजेज, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था मून पीएनजी इमेज का, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको सलाह से आपको मेटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसको क्या करना, पूरा लास्ट तक इसको कर लेना, करना तो क्या करना, इसको साइज को इसको छोटा करना, छोटा करना है तो क्या करना आपको, इसको इस जगह पर यहाँ पर लगा देना, ठीक है, इसको यहाँ पर लगा दीजिएगा। इसको लगाना तो क्या करना, कुछ इस तरह से इसको लगा देना यहाँ पूरा बीच पोजिशन में, उसको थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना, डुप्लीकेट कर लेना, डुप्लीकेट करके हम इसको क्या करेंगे, इस जगह पर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, आपको लगा देना। तो इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला इमेज पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट वाला इमेज पर क्लिक कर रहे तो क्या करना, इसके अंदर एक एनिमेशन डालना, जो कि आपको एनिमेशन के अंदर यहाँ से पॉप को सेलेक्ट करना, इसको सेलेक्ट करके रेशियो को इसको 2 सेकंड कर देना, 2 सेकंड करने के इसको इसको थ्री डॉट का उसमें क्लिक करें, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट कर थोड़ा सा इसको स्क्रॉप करना, थोड़ा सा स्क्रॉप करके कैंची का क्लिक करना, इसको ट्रिम टू लेफ्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर इसको कट कर देना, कट करके इससे बैक आ जाना है, बैक आ जाना आपको ओवर एनिमेशन इसके अंदर। अब इसको क्या करना है, इसको तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करके एरो का क्लिक करके बैक आना है, इसको थोड़ा सा नीचे जाना है, आपको यहाँ पे थ्री लाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें जैसे क्लिक करेगा तो फर्स्ट ऑप्शन इसको दिख रहा है पूरा, इसको माइनस पूरा माइनस कर दिया 100, उसके बाद सबसे नीचे जाना है, और नीचे वाला को भी क्या है पूरा माइनस 180 कर देना, ठीक है, पूरा 180 करके यहाँ से एरो आइकन क्लिक कर बैक आ जाना है। अब क्या करना है, जो सेकंड वाला जो मून पीएनजी में इसको सेलेक्ट करना है, थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको भी डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट करके इसको भी थोड़ा सा क्या करना है, स्क्रॉप कर लेना, थोड़ा सा स्क्रॉप करके कैंची का क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला ऑप्शन क्लिक करके बैक आ जाना, बैक आना फिर से आपको ओवर एनिमेशन जाना है, और तीसरा का मुझे ऑप्शन क्लिक करके फिर से इसको बैक आ जाना, बैक आना क्या करना है आपको, थ्री लाइन पर क्लिक करना, पहले वाला को पूरा माइनस 100 कर देना है, और सबसे नीचे वाला को क्या करना माइनस 180 कर देना, ठीक है, 180 करके आपके अंदर कुछ इस तरह से आपको जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना, फिर से आपको इसी पोजीशन पर आना है, लेयर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको स्टिकर का क्लिक करना है, स्टिकर पर क्लिक करें, यहाँ देखिए ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, आपको ये जगह ऑप्शन नहीं दिखता है, आपको क्या करना, ऊपर में जो घर का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके आपके यहाँ पे इंटरनेट को ऑन कर लीजिए, ऑन करना तो आपके यहाँ देखिए आपको यह ऑप्शन दिखे डेकोरेटिव का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना, इस पर क्लिक करिएगा, जैसे इस पर क्लिक करिएगा आपको बहुत सारा इफेक्ट आपको देखिए नया इफेक्ट आया है काय मास्टर का अंदर, देखिए आपको नया इफेक्ट आया है, तो आपको इस हम आपको बता दिए हैं, गूगल से जाकर डाउनलोड करना, गूगल में लिखना है काय मास्टर किंग प्रो, ठीक है, किंग प्रो लिखेगा तभी जो वेबसाइट आएगा, ठीक है, आपके अगर सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे स्क्रॉप करना है, यहाँ पे स्क्रॉप और स्क्रॉप करिए, इसको स्क्रॉप करिए, स्क्रॉप करेगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे इस जगह पर इसको या इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, और देखिए हम यहाँ पर डाउनलोड किए हुए, तो यहाँ देखिए स्टोलिंग दिखा था, आपको डाउनलोड कर लीजिए, आपको स्टोलिंग इस तरह से दिखेगा, 18 MB का है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, डाउनलोड कर आपको बेक आ जाना, बेक आया तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह दिखेगा, तो आपको यहाँ से व्हाइट वाला को सेलेक्ट करना, इसको व्हाइट को सेलेक्ट करके एरो का क्लिक कर बेक आ जाना, इसको साइज को लेयर को पूरा लास्ता कर देना, ठीक है, आप क्या करना, इसको साइज पूरा छोटा करना, छोटा करके आपको क्या करना है, इस जगह पर यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको लगा देना, ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब क्या करना है, इसके अंदर भी एनिमेशन जाना, जाकर एनिमेशन के अंदर पॉप को सेलेक्ट करके इसको थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना, इसको डुप्लीकेट कर लेना, और डुप्लीकेट करके हम इसको भी क्या करेंगे, इस जगह पर यहाँ पर इसको ला कर लगा देंगे, ठीक है, आपको भी लगा देना, कुछ इस तरह से आपको जो इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब क्या करना, आपको इसी पोजिशन पर देखिए इस जगह पर आना है, इसी जगह पर उसका आपको लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, उसका आपको डाउनलोडिंग में चल जाना है, डाउनलोडिंग में जैसे जाएगा देखिए मेरे पास यहाँ पर व्हाइट वाला जो पीएनजी इमेज है, जो कि आपको पिछले वीडियो हमें दे दिए हैं, तो आपको उसको इसका लिंक यहाँ से डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको डाउनलोड कर लेना। अब इसको क्या करना, लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना, ठीक है, तो इसको लेयर को पूरा हम लास्ट तक कर देते हैं, तो आपको भी कुछ इस तरह से लास्ट तक कर देना। अब इसको क्या करना, साइज को पूरा छोटा करना, पूरा छोटा करके आपको इस पोजिशन पूरा बीच में ले आना, ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा करिए, चलिए अब सही है, इस तरह से आपको बीच में कर लेना, उसके बाद आपको ओवर एनिमेशन के अंदर और यहाँ से आपको फ्लोटिंग वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, क्लिक करके थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना, इसको सेंड टू बैक कर देना, बैक करके इसको थ्री डॉट का ऑप्शन फिर से क्लिक करना, फिर से इसको डुप्लीकेट कर लेना, डुप्लीकेट करने में क्या करना आपको यहाँ पर ले आना और इस जगह पर कुछ इस तरह से इसके अंदर लगा देना, ठीक है, उसका फिर से इस इमेज पर क्लिक करिए, थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक कर फिर से डुप्लीकेट कर लीजिए, फिर से डुप्लीकेट करके आपको आपको यहाँ पर ले आना, ठीक है, इस जगह पर लगा देना, लगा दीजिएगा तो कुछ इस तरह से देखिए आप यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इसके इफेक्ट का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आप क्या करना आपको इसी पोजिशन पर रहना है यहाँ पर, उसका उसका फिर से आपको लेयर क्लिक करना है, उसका आपको यहाँ से लेयर क्लिक करना है, मीडिया आप क्लिक करना है, और आपके यहाँ से फिर से आपको रेड वाला जो पीएनजी इमेज है इसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो फिर से हम डाउनलोडिंग में चले जाते हैं, तो उसका मेरे पास यहाँ पर भी रेड वाला जो पीएनजी इमेज था इसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देख लेते हैं, रेड वाला भी ले सकते हैं, ये आपको येलो वाला दिख रहा है येलो को ले सकते हैं, चलिए इसको हम रेड वाला को ले लेते हैं, रेड वाला लेने तो क्या करना आपको लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना, तो इसको हम लेयर को पूरा लास्ट तक कर देते हैं, और इसको भी साइज को क्या करना पूरा छोटा कर देना, पूरा छोटा करके और इसको यहाँ पर इस पोजिशन पर लगा देना, ठीक है, लगा दीजिएगा, ओवर इमेज जाना है, इसको भी क्या करना फ्लोटिंग आपको उसको सेलेक्ट कर देना, सेलेक्ट कर दीजिएगा, फिर से इसको एरो का क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाना, फिर से वीडियो का पूरा फर्स्ट बना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, डाउनलोडिंग जाना है, और नेचुरल फ्लावर पीएनजी इमेज बॉर्डर वाला आपको ले लेना, ठीक है, तो इसको लेयर को पूरा इस तरह से बढ़ा देना पूरा लास्ट तक, तो इसको हम पूरा लास्ट तक इस तरह से बढ़ा देते हैं, तो आपको यहाँ से बढ़ा देना है,
बढ़ाने क्या इसको साइज को पूरा छोटा कर लीजिए, छोटा करके आपको इस जगह पर यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको लगा देना है। उसका आपको थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है इसको डुप्लीकेट करके, और उसको हम क्या करेंगे रोटेट कर देंगे। ठीक है, रोटेट करने के लिए आपको जो बता दिए इसको सेलेक्ट करिए और थोड़ा सा नीचे जाइए और यहाँ इसको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको इस तरह से रोटेट कर देना। ठीक है, यहाँ से आपको साइज को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिएगा और देख लीजिए आपको जो साइज इसमें अच्छा लगे उस हिसाब से उसको साइज को यहाँ पर लगा देना कुछ इस तरह से। और फर्स्ट वाला को भी थोड़ा हम साइज को उसको यहाँ से बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह से बढ़ा देना है और इसको यहाँ पर लगा देना। ठीक है, लगा दीजिएगा। आपको देखिए वीडियो कुछ इस तरह से देखिए आपको बन गया है। यहाँ से वीडियो को प्ले करके आपको दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना है। अब जैसे कितना अच्छा कितना बेहतरीन तरीके से वीडियो बन चुका है, वीडियो अच्छा से वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल ताकि वीडियो में जाते आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।